और इसी बीच देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी। देवली उनियारा विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का बड़ा आरोप। निर्दलीय उम्मीदवार जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, उनका बड़ा आरोप ईवीएम मशीनों पर दिख रहा उनका हल्का निशान। नरेश मीणा ने कहा है कि साजिश के साथ ये काम किया गया है। नरेश मीणा जो निर्दलीय प्रत्याशी है देवली उनियारा से, और त्रिकोणीय मुकाबला उन्होंने इन चुनावों का बना दिया, वो ये कह रहे हैं कि जो मेरा निशान है वो मशीन पर बहुत हल्का नजर आ रहा है और ये साजिश के तहत किया गया है। बहुत गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है, नरेश मीणा द्वारा, और पूरी व्यवस्था पर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। नरेश मीणा देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि मेरे चुनाव चिन्ह को जानबूझकर हल्का किया गया है। ईवीएम मशीन पर मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो लोगों को इजीली नजर नहीं आ रहा है। ये गंभीर आरोप नरेश मीणा लगा रहे हैं और अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कोई संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि देवली उनियारा से नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी है, पहले कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको मिला नहीं इस बार टिकट और नाराज हुए। सचिन पायलट के नजदीकी है नरेश मीणा और अब पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं।